अलैकुम। सेवन्थ क्लास, टुडे वी विल डिस्कस अवर थ्री टॉपिक्स दैट आर 1996 टू 1997 एंड 1998-1999। वी विल डिस्कस दीज थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट वी विल लुक व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ वट डिफरेंट काइंड ऑफ ओकेशंस टुक प्लेस इन 1996 टू 97, 1998 एंड 1999। ओके, इन 1996 टू 97 में क्या हुआ? प्रेजिडेंट लगारी डिसमिस भुट्टो एंड हर गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ 1996 में जो प्रेजिडेंट लगारी थे उन्होंने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। न्यू इलेक्शंस हुए थे और न्यू इलेक्शंस में नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन गए थे और ह्यूज मेजॉरिटी के साथ उनको सीट्स मिली थी असम्बली में। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बहुत जो है वो काम किया था, बहुत प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, प्राइसेस को काम किया था और लोगों को जॉब दी थी। इसके अलावा नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ पास हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट की पावर को कर्टेल डाउन किया गया था। कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को कट डाउन करना, कम करना। प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था, ख़त्म कर सकता था और प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता था। तो जो न्यू लॉ बना था उसमें ये पावर प्रेसिडेंट से ले ली गई थी, उसके अख्तियारात को कम कर दिया गया था। पाकिस्तान बोरोड ह्यूज सम ऑफ मनी फ्रॉम द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक टू बूस्ट इट्स फेलिंग इकॉनमी। उस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया था कि IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और वर्ल्ड बैंक से बहुत सारा लोन लिया था इकॉनमी को इंक्रीज़ करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। प्रेजिडेंट लगारी अनएक्सपेक्टेडली रिजाइन इन दिसंबर 1997 एंड वॉज रिप्लेस बाय नवाज शरीफ फ्रेंड मोहम्मद रफीक ताडर हु रीइंफोर्स्ड द प्राइम मिनिस्टर पावर। उसके बाद क्या किया गया था कि प्रेसिडेंट लगारी ने 1997 में रिज़ाइन कर दिया था और नवाज शरीफ के जो फ्रेंड थे उस वक्त मोहम्मद रफीक ताडर, वो प्रेसिडेंट बने थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को इंक्रीज़ किया था। मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, 1998 में कौन से वाक़यात हुए थे? इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज़ टेस्टिंग इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इन अर्ली मे 1998, पाकिस्तान एक्सप्लोडेड इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब एट चागी बलोचिस्तान ऑन 28 मे 1998। पाकिस्तान 1998 में जो है वो न्यूक्लियर पावर बना था क्योंकि इंडिया ने भी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो उसके लिए उसके बाद फिर 1998 में पाकिस्तान ने भी जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी और न्यूक्लियर पावर बना था। टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रीच्ड अ हाई लेवल और उस दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन का लेवल था इंक्रीज़ हो गया था। रीज़न उसकी ये थी कि दोनों न्यूक्लियर पावर बन गए थे। 1999 में कौन से अकेशंस हुए थे, कौन से वाक़यात हुए थे? बेनज़ीर भुट्टो एंड हर हस्बैंड वर फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन इन अ पाकिस्तान कोर्ट, सेंटेंस टू अ प्रिजन टर्म एंड फाइंड $8.6 million. बेनज़ीर भुट्टो वॉज आउट ऑफ द कंट्री एट अ टाइम एंड रिमेन्ड इन एग्जाइल टिल October 2007 वाइल हर हस्बैंड वॉज अरेस्टेड एंड जेल्ड। उस वक्त 1999 में बेनज़ीर भुट्टो और उनके हस्बैंड जरदारी पर करप्शन जो थी वो कोर्ट ने उसको साबित किया था और उनको सज़ा हो गई थी। सज़ा उनको इस टर्म में हुई थी, पैसों की टर्म में हुई थी, $8.6 million उनको हुई थी। बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त मुल्क से बाहर थी और उनके हस्बैंड जो थे जरदारी को, उनको जेल हो गई थी। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ड्रोव बाय बस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लाहौर वेर ही साइंड अ ट्रीटी विद नवाज शरीफ नॉट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन, बट लेटर द कन्फ्लिक्ट इन कश्मीर इंटेंसीफाइड विद द कारगिल एपिसोड। उसके बाद क्या हुआ था कि उस 1999 में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक ट्रेन में, सॉरी बस में सफ़र किया था और वो इसलिए किया था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो अमन को बढ़ाया जाए। लेकिन 1999 में जो है वो कारगिल वॉर जब स्टार्ट हुई थी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स फिर इंक्रीज़ हो गई थी। आज हम सिर्फ इस लेक्चर को, इस टॉपिक को देखेंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको आज कोई क्वेश्चन नहीं दूंगी। कल इसी टॉपिक से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दूंगी। ठीक है, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रिटर्न लिखने हैं, बस आपने आज इस लेक्चर को सुनना है एंड कल मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे।